क्या हाल है ब्रो? आज मैं आपको करता हूँ अपनी एक और साइड से इंट्रोड्यूस। आपका भाई प्ले करता है पियानो। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे ए लेवल्स में एक टाइम आया था जब मैं एक प्रॉपर बैंड में भी था। इग्नोर द हेयर स्टाइल प्लीज, थैंक यू। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और इवेंट्स वगैरह पे हम लोग प्ले करते थे, और ऐसे ही प्ले करते करते मुझे पियानो बजाने से इतना नेक्स्ट लेवल प्यार हो गया, मैं आपको क्या बताऊं यार, इतना मज़ा आता था। स्पेशली जब आपका भाई कभी कभी पियानो पे सोलो मारता था ना, उफ, ऑडियंस। लगता था भाई कि मतलब आज हम जीत गए, मतलब सातवें आसमान पे पहुंच गए भाई, सब फतह कर लिया, जीत गए हम लोग आज यार। यही गलती हो गई मुझसे। कहानी यह है कि जैसे ही मुझे हल्का सा फील हुआ कि यार मैं मतलब अच्छा म्यूजिशियन बन रहा हूं, तो उस वक्त मैंने पियानो सीखने के लिए मजीद मेहनत करना छोड़ दी। मतलब क्यों करूं और मेहनत भाई, ऑलरेडी एक बैंड में था और मैंने जिस जिस को भी अपना पियानो प्ले करके सुनाया था, मुझे हर बंदे ने कहा था कि गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब यार, गुड जॉब। ये दो जहरीले अल्फाज हैं, जहरीले। आप जब भी कभी गुड जॉब सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अब आप जीत गए हो, आप छा गए हो, मतलब आपको जहां होना चाहिए था अब आप वहां पर पहुंच गए हो। एंड इस थॉट की वजह से फिर आप हो जाते हो कंफर्टेबल कि भाई अब मैं ज़िंदगी में बहुत गुड हूँ, मुझे जहाँ पे पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, और मुझे अब मेहनत वेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको होती है ज़रूरत, मतलब आपको ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, हमेशा। अगर तो मुझे मेरे पियानो प्लेइंग डेज में कोई गुड जॉब ना बोलता तो आई एम श्योर मैं पियानो प्ले करना ना छोड़ता, और ना तो मैं अपने म्यूज़िक के इश्क से दूर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई को लगा कि भाई चीता है तो ये हो गया। अगर तो मुझे कोई उस वक्त गुड जॉब ना बोलता तो पता नहीं मैं म्यूजिक के मामले में आज कहां से कहां होता। और इस गलती को दुरुस्त करने के लिए आपके भाई ने पियानो दोबारा उठा लिया। तो ये मैंने एक यूट्यूब पे कुछ कुछ होता का ट्यूटोरियल निकाला, जिसमें मुझे करना ये है कि जहां पे ये कीज प्रेस हो रही हैं मैंने इनको प्रेस करना है, फॉलो करना है, और मैंने पियानो पे ये प्ले करनी है, तो फिर आपका भाई ये सीख लेगा। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो कहानी आप इस वक्त सुन रहे हैं ना, मतलब ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये कहानी जा कहीं और रही है, बता दूं, कहीं और जा रही है।
रहूं पास पास जब भी उदास तेरी हर निगाह मेरी ही आस मेरी जिंदगी की तू है मिठास मेहरमा। जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा उन सिचुएशंस में फेंक दो जिसमें आप एक तो इंतहाई अनकंफर्टेबल हो और आपकी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं हो। तो कल है यहाँ पे कराची ईट 2019 और मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे आज उसकी प्रिपरेशंस में जो एक रात पहले हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा और आपके हाथ पैर भी कांपेंगे। और ये है मेरे दोस्त हफ्सा अब्दुल्ला सरवान और दूसरी हफ्सा और ये है इनका स्टॉल नो लाइस फ्राइज। आपको डर भी लगेगा और आप घबराओगे भी। और ये लोग यहाँ पे बेचने वाले हैं दुनिया के सबसे नेक्स्ट लेवल फ्राइज नगेट्स। आलू का जो अगर आपने आलू की चीज़ें खानी है ना तो ये लोग यहाँ पे उसका सारा सीन करने वाले हैं कल परसों और तरसों कराची। लेकिन ये जिंदगी का निज़ाम है, जब आपको घबराहट डर और डिस्कम्फर्ट फील ना हो रहा हो तो भाई समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और मैं नवीद अनवर ये सब कुछ इनके साथ बेचूंगा, क्योंकि अगर हम घबराहट और डर की वजह से रुक जाते तो भाई आज हम सब चलने के बजाय क्रॉल कर रहे होते। अगर आप मुझसे सच पूछें तो ना तो मुझे कुछ बेचना आता है, ना तो मैंने कभी कस्टमर्स को डील किया, ना तो मुझे कोई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट आती है, ना तो मुझे प्रेशर को उस तरह डील करना आता है। जब कस्टमर आपके सामने होता है, कस्टमर को चीज़ पसंद ना आए तो उसको डील किस तरह करना है मुझे वो भी नहीं आता। मुझे पैसे संभालने नहीं आते, मुझे ऑर्डर्स मेंटेन करने नहीं आते, ऑर्डर्स निकालने नहीं आते, मुझे कुछ नहीं आता। और सच पूछें तो मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, टेंशन भी हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मतलब दिमाग में काफ़ी इस वक्त टेंशन का माहौल है बिकॉज मैंने कभी भी इस तरह कुछ दूर दूर तक नहीं किया। लेकिन कल परसों और तरसों कराची पे मैं स्टॉल नंबर 37 के पीछे होऊंगा, क्योंकि इसी तरह तो चलना आएगा हम लोग। मेरे दिल बेकरार ताक लिया। सहूलते हैं तेरे ही दर की, मैं चाहूं तेरी बना मेरे खुदा मेरे जहां तेरी रजा।